हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये 3 लेयर वाला झूला बनाना बताऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर है। ये फर्स्ट लेयर है, ये इसमें 3 रिंग लगी हैं। ये 6 इंच की रिंग है और ये 8 इंच की रिंग है और ये 10 इंच की रिंग है। इसमें 3 रिंग्स लगी हैं और ये सबसे ऊपर रिंग है 4 इंचेस की। और इसमें करीब ये पर्पल वाला 4 बंडल कॉर्ड लगा है धागा, और ये एक ये लाइट कलर का बंडल लगा है। और ये जो हमारे इसमें मोती हैं इस तरह के, आप कोई भी मोती यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये हमारे इस तरह के 230 मोती लगे हैं इसमें, और ये 110 के करीब ये लटकन लगी हैं इसमें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड किया है, क्योंकि ये 1 पार्ट में ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में अपलोड कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप आसानी से दोनों वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 4 इंचेस का रिंग लेंगे, उसके ऊपर ये इस तरह से धागा लपेट लेंगे। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि धागा कैसे लपेटते हैं रिंग के ऊपर। और इसमें हम ये धागे फंसा लेंगे। ये मैंने ये 12 धागे फंसाए हुए हैं बीच वाले। ये जो बीच वाले धागे हैं ये 12 धागे हैं, और 4 4 धागे इधर, 4 इधर, 4 इधर, तो टोटल हमारे ये 20 धागे हो गए। देखिए धागा एक कैसे फंसाते हैं इसमें, इस तरह से। और इसको ऐसे बीच में से निकाल दें, इस तरह से। ये देखिए धागा फंस गए इसमें। और अब हम ये जो ये साइड वाले धागों को हम, ये देखिए मैंने पट्टी बना रखी है, ये 4 धागों की पट्टी बनाई हुई है। तो ये साइड वाले 4 धागों को हम अलग ही रहने देंगे, इनकी बाद में पट्टी बनाएंगे। और इस तरह से गांठ लगा लेंगे सभी धागों की, 4 4 धागों की एक एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। मैंने ये गांठे अपने पहले वीडियोस में भी बता रखी हैं। ये देखिए इस तरह से मैं पूरे ये गांठ लगा लूंगी एक एक। ये देखिए मैंने सबकी एक एक गांठ लगा ली है। अब मैं इस साइड साइड से 2 2 धागे छोड़ दूंगी। ये 2 धागे इधर से और ये 2 धागे इधर से छोड़ देंगे। और फिर इस तरह से ये इन धागों में गांठे लगा लेंगे इसी तरह से। यही सिंपल वाली गांठे, पहले एक इसमें फिर इसमें, इसी तरह से हम इधर भी गांठे लगा लेंगे। और जब तक हमारी एक गांठ ना बच जाए नीचे, हम साइड से 2 2 धागे छोड़ते चले जाएंगे, और एक गांठ रहने तक हम ये पूरी गांठे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक गांठ आ गई है। दोनों साइड से हमने फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम ये हमारा जो यहाँ किनारे वाला धागा है, हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ये इस वाले धागे से सभी धागों से इस तरह की गांठें लगा देंगे। हर धागे से 2 2 बार गांठें लगाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से सभी धागों से हम गांठें लगा लेंगे। और इधर से भी हम इसी तरह से गांठ लगा लेंगे। फिर जब हमारी एक एक गांठ कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम ये वाला धागा लेके फिर एक बार इसी तरह से डबल गांठ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक बार किनारी बना ली है। अब मैं इसको फिर से इधर से ये धागा लेके डबल किनारी बना लूँगी।
ये हमारी ये डबल किनारी हो गई है। अब हम इसमें एक धागा इधर से छोड़ देंगे और इन दो धागों में मोती डाल लेंगे। फिर ये एक धागा खाली छोड़ देंगे, फिर ये दो धागों में मोती डाल लेंगे। हम सभी धागों में ऐसे ही मोती डाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें इस तरह से मोती डाल लिए हैं। हमने इस साइड से दो दो धागे छोड़े हैं, फिर दो धागों में मोती डाल लिए हैं, फिर एक धागा छोड़ा है, फिर दो धागों में मोती डाल लिए हैं। इसी तरह से हमने ये मोती डाल लिए हैं। देखिए अब ये इसमें जो यहाँ आ रहा था इसमें मोती डाला है और यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से अब हम फिर से ये जो हमने ये डबल गांठें लगाई हैं लाइन वाली, हम फिर से इस धागे को इस तरह से मोड़ के, ये देखिए साइड वाला, और इसमें इसी तरह से ये दो दो किनारी और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा हल्का हाथ से ही पकड़े, नहीं तो ये इधर खिसक जाएगा धागा। अब हम ऐसे ही गांठ लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इधर भी हमने दो दो डबल डबल गांठे लगा दी हैं। अब हम इसमें बहुत ही ढीली ढीली गांठे लगा लेंगे इस तरह से। जैसे हमारे किनारे वाले धागे हैं इधर भी गांठे लगा लेंगे। ये देखिए ये जो साइड में ये धागे आ रहे हैं, ये अब इनमें भी हम एक एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से, चार चार धागों में। और अब हम ये इसके दो धागे लेंगे और इधर साइड से ये दो लेके हम इनकी लगा लेंगे। फिर से ये जो धागे हैं इसकी और इसकी इस तरह से नीचे से लगा लेंगे। इस तरह से जैसे कि हमने ये साइड में लगा रखी हैं, इस तरह के शेप में हम ये गांठे लगा लेंगे। जैसे ये दो इधर से और ये दो इधर से, इसी तरह से हम यहाँ तक ये गांठे लगा लेंगे पूरी। ये हमने दोनों साइड से इस तरह से बना ली हैं ये धागे छोड़ छोड़ के। अब हम जैसे कि हमने ये इधर बीच में डिजाइन डाला था, इसी तरह से हम ये धागा फर्स्ट वाला यहाँ से मोड़ के डबल डबल इस तरह से बना लेंगे और इस वाले धागे को इधर से मोड़ के ये मैंने ये साइड वाली गांठे कंप्लीट कर ली हैं। और ये बीच बीच में इसी तरह से ये गांठे लगा ली हैं सिंपल वाली। और यहाँ पे ये मैंने बहुत ढीली ढीली एक एक इंच की दूरी छोड़ के गांठे लगाई हैं। बताती हूँ मैं इन्हें कैसे लगाई हैं मैंने। ये जैसे एक एक इंच की दूरी पर गांठे लगाई हुई है मैंने। इसी तरह से हम ये सबकी गांठे लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच का कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें रिंग लगाऊंगी। रिंग लगाने का तरीका मैंने कई बार आपको बताया भी है अपने लास्ट वीडियोस में।
इस तरह से। इसमें मैं 3 लेयर का झूला बना रही हूँ। तो ये मेरे सबसे पहले मैं 6 इंच का रिंग लगाऊंगी, ये देखिए 6 इंच का रिंग है ये, और फिर 8 इंच का, फिर 10 इंच का, सबसे बड़ा रिंग मेरा 10 इंच का होगा। तो देखिए कैसे मैं लपेटूंगी रिंग को, इस तरह से, और फिर इसी तरह से हम ये पूरे धागे रिंग के ऊपर लपेट लेंगे इस तरह से। ये मैंने देखिए ये रिंग लगा ली है, इसमें रिंग पे धागा लपेटा है। और अब मैं जैसे ये मैंने ऊपर डिजाइन डाला था, या आप कोई भी डिजाइन डालकर ये फिर से 10 इंच का कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये हमने डाल के यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का कंप्लीट किया है, इसी तरह हमने ये रिंग डाल के और इसी तरह का डिजाइन डाल के नीचे 10 इंच का कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अपनी वो 8 इंच वाली रिंग लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 10-12 इंच का बना के फर्स्ट रिंग लगा लिया था, और उसमें इस तरह से ये धागा लगा लिया है, जैसे कि हम इसमें टेडी वगैरह रखेंगे तो वो इस पे आ जाएगा। फिर हमने मैंने ये रिंग फंसाना बताया था अभी, और फिर मैंने ये 10 इंच का फिर से इस तरह का डिजाइन बना के फिर दूसरा 8 इंची का रिंग फंसा लिया है। ये देखिए 8 इंच का रिंग है। अब मैंने फिर से ये 10 इंच का ये डिजाइन बना लिया है। अब मैं इसमें तीसरा यानी 10 इंच वाला रिंग फंसाऊंगी। ये रिंग को इस तरह से फंसाना है। हम ये रिंग को बीचों बीच रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, और पहले हम बीच वाले धागों में फंसाएंगे, नहीं तो अगर हम साइड से फंसाएंगे तो ये डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम पहले बीच वाले धागों में फंसाएंगे। ये हमने देखी बीच वाले धागों में फंसा ली है। अब हम एक धागे को पहले इधर साइड से फंसाएंगे इस तरह से, जिससे कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और फिर इधर से फंसाएंगे। और इसी तरह से हम इस तरह से हाथ रख के इस पे, या हम इस पे कुछ वजन रख लेंगे जो ये खड़ा रहे इस तरह से रिंग, और एक एक धागा दोनों साइड से बराबर बराबर में इस तरह से फंसाते चले आएंगे। जैसे कि हमने ये वाले यह वाला रिंग फंसा रखा है, ये देखिए इस तरह से हम ये रिंग फंसा लेंगे इसमें। ये मैंने सारे धागे लपेट लिए हैं, ये देखिए फंसा लिए हैं इसमें। अब हम एक डिजाइन सिंगल डिजाइन ये वाला बना लेंगे इस तरह से। मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये रिंग को इसी तरह रहने देंगे, और ये बीच वाले जो 4 धागे हैं इनमें से ये साइड वाला धागे को इस तरह से रख के तिरछा ये हम ये वाली गांठें लगा लेंगे डबल डबल करके, और फिर सिंपल वाली गांठें लगा के हम इस तरह से ये एक कंप्लीट कर लेंगे डिजाइन। ये इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो ये
गांठ हमारी सिकुड़ कर इधर ऊपर पहुंच जाएगी। ये हल्की हल्की ही लगाने हैं, ढीले ढीले ही थोड़े। इसी तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये देखिए मैंने दोनों साइड से गांठें लगा ली हैं। अब ये ऊपर जो ये वाइट वाले धागे थे, ये देखिए इनसे मैंने एक गांठ लगा ली है। अब ये दो धागे इस वाले के और ये दो धागे साइड से उठा के ये इस तरह से हम गांठें लगा लेंगे। और फिर से हम ये दो धागे इस वाले के और ये इधर साइड से उठा के इसी तरह से हम ये गांठे लगा लेंगे। दो दो करके ही हम लगाते चले जाएंगे ये। ये इन वाले धागों को अलग ही रहने देना है। अब हम इधर साइड से भी ऐसे ही लगा लेंगे। और इसमें मैंने एक बात बता दूं, 7-7 मीटर के धागे काटे थे जो कि मेरे बीच में ही कम पड़ गए थे, तो मैंने दो दो तीन तीन मीटर के धागे और काट काट के इसमें बीच में जोड़ लिए थे। आप चाहें तो शुरुआत में ही ज़्यादा लंबे 9-9 या 10-10 मीटर के धागे काट सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में फिर दिक्कत होगी, इसलिए आप 6 या 7 मीटर के काट लें। फिर बाद में जहाँ पे बीच में कम पड़ जाए तो आप उसमें जोड़ लें। ये आसानी से मोमबत्ती से चिपक जाता है, ये लाइटर से लगा लें। ये इसी तरह से मैं इसमें कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक।